हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इस सेमेस्टर से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सीडो इलेक्ट्रिस के बारे में और कोलियोमेला के बारे में। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सीडो इलेक्ट्रिस के बारे में एंड देन उसके बाद हम कवर करेंगे कोलियोमेला के बारे में। हेडिंग डालीजिए सीडो इलेक्ट्रिस। अभी आपको, जैसा कि आप लोग बुक में देख रहे हैं, हिंदी में लिखा गया, मोस्टली वर्ड्स जो हैं हिंदी में लिखे गए हैं, लेकिन आपको ट्राई करना है हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखना है आपको, राइट। उसके बाद ही आप इंग्लिश पर जाएंगे, राइट। अगर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स नहीं लिख पाएंगे, अगर आप फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश मिक्स देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप लोग, मतलब लास्ट सेमेस्टर तक जाते जाते आप लोग इंग्लिश में एग्ज़ाम दीजिए, राइट। क्योंकि मोस्टली जो इंग्लिश में ही, अगर आप आगे चलकर एमएससी करते हैं तो भी आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ट्राई करना है हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखना है, राइट। लिखेंगे इसके बारे में, कैप्सूल के मैच्योर पार्ट में स्पोर टेट्राड के साथ सीडो इलेक्ट्रिस भी पाए जाते हैं। कैप्सूल के जो परिपक्व भाग होता है, जो मैच्योर पार्ट होता है, उसमें स्पोर टेट्राड के साथ सीडो इलेक्ट्रिस भी पाए जाते हैं। मोस्टली स्पीसीज में इलेक्ट्रिस जो होते हैं वो एक से चार इरेगुलर साइज की सेल से निर्मित सरल यानी सिंपल अथवा ब्रांच्ड फिलामेंट के रूप में होते हैं। बट देखा जाए तो कुछ जातियों में केवल यूनिसेलुलर इलेक्ट्रिस भी पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल वाले इलेक्ट्रिस पाए जाते हैं। एंथोसिरोस के इलेक्ट्रिस का एक लाक्षणिक गुण, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि इसमें थिकनिंग बैंड्स का अभाव होता है। बट एंथोसिरोस फाइसोक्लेडम में इलेक्ट्रिस की जो वाल होती हैं वो मोटी होती हैं। इसके अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ जातियों में यानी कुछ स्पीसीज में इसकी सेकेंडरी वाल में कुंडलित स्थूलन यानी कि हेलिकल थिकनिंग भी पाई जाती हैं। मतलब आपको सीडो इलेक्ट्रिस के बारे में स्टार्टिंग में जैसे दो नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन आया है, तो आप लोग ट्राई करें, थोड़ा सा डायग्राम भी आप लोग बना सकते हैं। फ्रंट पेज पर आपको इसके बारे में लिखना होगा, मतलब आपको जरूरी नहीं कि दो पेज भरें, एक पेज जो होता है वो काफ़ी है। अब हम डिस्कस करते हैं कोलियोमेला के बारे में। स्टूडेंट, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कोलियोमेला। यह कैप्सूल के सेंट्रल भाग में स्थित स्ट्राइल सेल्स का एक स्तंभ है जो कि कैप्सूल के आधार से लगभग शीर्ष तक विस्तृत होता है। यह मोटी भित्ति यानी कि थिक वाल युक्त दीर्घ कोशिकाओं यानी कि बड़ी बड़ी लार्ज सेल्स की 16 उदग्र यानी वर्टिकल पंक्तियां वर्टिकल निर्मित होता है। कोलियोमेला का मुख्य कार्य, इसका जो मेन फंक्शन है, वो कोमल तथा दीर्घ कैप्सूल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है यानी कि एक यांत्रिक सहायता देता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम दैट, बीजाणुओं के प्रकीर्णन में यानी कि जो स्पोर है उसके डिस्पर्सल में, उसके प्रकीर्णन में सहायता करता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में कोलियोमेला समतः जो है वाटर कंडक्शन टिश्यू के रूप में भी काम करता है। इसका मेन मेन फंक्शन आपको डेफिनेटली याद करना लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट करना। किसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है ये कोलियोमेला का मेन कार्य, कोमल व दीर्घ कैप्सूल को यानी सॉफ्ट व बड़े से जो कैप्सूल है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना काम है कोलियोमेला का। दूसरा काम क्या है, ये स्पोर्स के डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है। तीसरा काम क्या है, कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू के रूप में भी काम करता है, राइट। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने कवर किए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे स्फेग्नम का पार्ट टू, क्योंकि पार्ट वन तो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, अब हम पार्ट टू करेंगे जिसमें अंदर कवर करेंगे हम रिप्रोडक्शन के बारे में, राइट। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोज़ चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा। Thank you.